प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी एग्जाम खबरी में। दोस्तों, जैसा कि पता है कि आपको SSC MTS का आज से एग्जाम स्टार्ट है, तो आज 2 तारीख यानी 2 मई का आज का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम छूटने वाला है। तो सारी जानकारी आपको मिलने वाली, क्या रहा है एग्जाम का एनालिसिस, तो पूरा आपको करने वाले हैं हम एग्जाम का एनालिसिस। तो बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि SSC से पल पल की अपडेट हमारे चैनल पे आपको मिलती रहती है। तो कैंडिडेट जैसे ही छूटते हैं दोस्तों, पूरी एग्जाम का एनालिसिस आपको देने वाले हैं, तो बने रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, कैंडिडेट छूट चुके हैं, तो कुछ कैंडिडेट आ रहे हैं, तो उनसे हम बात कर लेते हैं आखिर कैसा रहा उनका एग्जाम। तो बने रहिएगा दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और काफ़ी लोग आ रहे हैं जो एग्जाम सेंटर से छूट चुके हैं, तो कैसा एग्जाम रहा मैम? एग्जाम हो गया भाई? बढ़िया जी, बिल्कुल ठीक है। जो दक्कन के पठार जीएस में आया था, दक्कन के पठारों से लेकर के क्वेश्चन कि मतलब कि जो 4/4 टेक्स्ट दिया जाता है वो क्या है, कुछ डांस वगैरह से आए हुए थे, कुछ आपके जो महोत्सव वगैरह थे कि रंगभूमि किस महोत्सव का है, या फिर राजस्थान से आए थे, राजस्थान के जो जाट हैं वो किस मतलब की भाषाओं को बोलते हैं, डांस। राज्यपाल कोई पूछा? राज्यपाल नहीं पूछा गया था आपका। और उसके बाद जो करंट अफेयर से आया था कि मोदी जी जब कहाँ पर मोदी जी ने बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, कुछ बनाया गया तो मोदी जी से रिलेटेड था, 2022 का क्वेश्चन। यानी पेपर का लेवल कैसा है? पेपर का लेवल देखो, क्वालिफाइंग है इसलिए एकदम रद्दी लेवल की मैथ है, बिल्कुल ही जी, रीजनिंग बिल्कुल ही। क्या कुछ चैप्टर बता पाएंगे सर? मैथ के अगर चैप्टर की बात करते हैं तो रेशियो प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन था, और SICI का क्वेश्चन था आपका, और देन उसके बाद सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन थे, और प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन थे। और मैथ का जो लेवल है कैसा लगा? बहुत ही इजी लेवल। कैलकुलेटिव है कैसा है? बिल्कुल कैलकुलेटिव नहीं, बहुत इजी लेवल है। अर्थमेटिक का कोई क्वेश्चन? अर्थमेटिक से ही आपका सिंपल, पूरा तो अर्थमेटिक है, पूरा ही अर्थमेटिक आया है, एक क्वेश्चन एडवांस का नहीं था पूरा। की बात कर लेते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश में कैसा है? अगर बात करते जिस बच्चे ने नॉन पढ़ा है और प्रोनाउन, और उसके अलावा सिर्फ टेंस अगर पढ़ लिया तो भी इंग्लिश क्वालिफाइंग लाएंगे, बहुत अच्छा। और वोकैब याद होना चाहिए, कुछ सिनोनिम से कोई क्वेश्चन? भाई वोकैब बोल रहा हूँ, सिनोनिम से आया था, एंटोनिम से आया था, और मिसिंग कुछ याद है? मतलब किसका पूछा ये एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है किसका सिनोनिम पूछा गया था, लेकिन हाँ इंग्लिश में मुझे याद है कि जैसे टेंस से रिलेटेड जैसे फिल इन द ब्लैंक पे वॉच वगैरह का यूज हुआ था, क्लोज टेस्ट वगैरह आए हुए थे। और उसके बाद एंटोनिम सिनोनिम से अगर बात करें तो आपका एक डिसरिगार्ड का एंटोनिम था, मतलब इजीली थे, मतलब पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा आ रहा है, करने लायक है। बाकी कितना टाइम किया मैंने? तो उसमें अटैम्प्ट किया, जो क्वालिफाई था तो मैंने रीजनिंग जो 20 में सिर्फ 13 क्वेश्चन किए। मैथ मुझे अच्छी लगती है, मैथ पूरे 20 में 20 में, और इसकी इंग्लिश की अगर बात करें तो 20 में मैंने 25 में इंग्लिश में मैंने 17-18 किए, और जीएस में 25 में 19 के आसपास किए। आगामी डेट में जो एग्ज़ाम देने आ रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहते हैं? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि यार मैथ और रीजनिंग इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अगर आप थोड़ा भी प्रिपरेशन करते होंगे तो मैथ रीजनिंग क्वालिफाई है, आराम से निकल जाएगा। बस फोकस करना है जीएस में डांस फेस्टिवल, और इसके अलावा आप इस पर फोकस करते क्या कहते हैं, करंट अफेयर भी ज़्यादा देखने चाहिए। एक दो क्वेश्चन साइंस से आया था कि अगर करंट की यूनिट एम्पियर है, तो आया था कि फोर्स का मतलब रिलेशन बताना था, फोर्स का किससे? न्यूटन से था। बस ये सब क्वेश्चन टाइप के, तो थोड़ा बहुत अगर नॉलेज में पढ़ा हुआ है तो अभी फिलहाल पहला पेपर है, इस हिसाब से क्वेश्चन इजी था। क्या नाम है आपका? सर नाम चंदन पाठक। तो आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से बताएं, ठीक है? ओके सर। तो दोस्तों देखिए, आपका जो जो एग्ज़ाम रिव्यू रहा, बाकी और लोगों से भी पूछ लेते हैं कैसा एग्ज़ाम रहा उनका, तो बने रहेगा। नहीं जी, टू मॉडरेट था, इजी था। इजी था कुछ मैथ का, रीजनिंग का कैसा पोर्शन था कुछ बताइए? मैथ का भी इजी था। मैथ कैसे कुछ क्वेश्चन चैप्टर का? चैप्टर एलिगेशन से था, रेशियो से था, और टाइम एंड मार्क से था एक क्वेश्चन, एक अर्थमेटिक से कैसे क्वेश्चन है? अर्थमेटिक का कुछ इजी थे जी, एक कैलकुलेटिव था कैसा? कैलकुलेटिव नहीं था, बिल्कुल इजी है एक्चुअली, उसमें माइनस मार्किंग नहीं है तो बिल्कुल इजी आ रहा है। SSC में हमारे माइनस मार्किंग नहीं दो से, मैथ और रीजनिंग में नहीं, फर्स्ट पोर्शन में माइनस मार्किंग नहीं है। अच्छा अच्छा, बाकी उसकी बात करें रीजनिंग में, रीजनिंग का कैसे क्या? रीजनिंग का बिल्कुल इजी रहा। इजी रहा, कुछ चैप्टर याद है? क्लॉक से आया हो? क्लॉक से नहीं था, ना ही डाइस से मिला हो? नहीं, डाइस से भी नहीं था, कैलेंडर से भी नहीं था, नहीं था फिगर कॉन्टेक्ट से, फिगर कॉन्टेक्ट से भी नहीं था। बाकी रीजनिंग की बात उसमें बात कर लेते हैं, करंट की, करंट में कोई क्वेश्चन देखा? करंट अफेयर में 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन याद है? करंट अफेयर का क्वेश्चन 2023-24 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड बैंक में भारत की क्या पोजीशन है, मतलब हाई हायर में या मीडियम में या लोअर मीडियम में?
बाकी इंग्लिश की बात कर लें, एंटोनिम सिनोनिम से एंटोनिम्स केयरलेस का आया था, केयरलेस का आया, हाँ केयरलेस का था और चैलेंज का था। और बाकी नरेशन से कुछ क्वेश्चन नहीं, नरेशन से कोई क्वेश्चन नहीं, ना तो एक्टर प्रेसर थे ना डायरेक्ट थे। कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने अटेम्प्ट किया 45 किया है। तो बाकी और जैसे आगामी डेज में जो एग्ज़ाम देने आ रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? इनके लिए करंट अफेयर पर मतलब ज़्यादा ध्यान दें और ज़्यादा जी है बिल्कुल का मतलब कहीं से भी पेपर का लेवल सही लगा सिलेबस बढ़िया लगा। और लोगों से दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आज का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम है छूट चुका है, तो पूरा एग्जाम एनालिसिस आपको हमने बता दिया है। तो बने रहिएगा दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अब होना है सेकंड शिफ्ट, तो सेकंड शिफ्ट के लिए भी आप बने रहिएगा, कैसा एग्जाम रहा तो पूरा जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो अगर पसंद, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा ऐसी अपडेट पाने के लिए। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग सरकारी एग्जाम खबरी। जय हिंद, जय भारत।